Hello everyone, this is Shilpi and you are watching the SCVC Mom. तो आप सभी को गणपति फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बस कल गणपति जी आने ही वाले हैं, तो चलिए लास्ट मिनट का जो तैयारी होती है ना, वैसा ही एक सेटअप मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गई ये सेटअप शेयर करने में, बट देख लो भाई, अगर आइडिया अच्छा लगे ना तो आप इसे, अगर इस साल नहीं भी बना सको ना, आप इसे सेव करके रख लो अगले साल के लिए। बट ये आइडिया बहुत अच्छा है, आपके पास अगर एक दो घंटे का भी टाइम है तो आप इसे जरूर बना सकते हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपके घर में ही है। तो देखो, बातों में मैंने आप मतलब यहाँ पे आगे बढ़ गई हूँ वीडियो, तो बातों में मैंने लिया एक बड़ा वाला कुकीज वाला जार, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया, और मेरे पास थे बहुत सारे रैपिंग पेपर, जो आइकिया के इस तरह के जो रैपिंग पेपर आता है ना आइकिया से, उसे मैं बहुत अच्छे से संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि इसी तरह के कामों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और इनसे आप बहुत अच्छी तरह से कोई भी जगह में आपको अगर फिल करना हो ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मैंने उन पेपर्स को इस तरह से रोल कर करके मैंने उस डिब्बे को टोटली कवर कर दिया चारों तरफ से, और ऊपर वाले पोर्शन को भी बना दिया। अब मैंने न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को रोल करके अंदर में फिक्स कर दिया, और मास्किंग टेप की मदद से अच्छी तरह से फिक्स भी कर दिया। फिर मैंने लिए कुछ टिश्यू पेपर जिनको डिप किया फेविकॉल और पानी के मिक्सचर में, और फिर इस तरह से पूरे जो अंदर वाला पार्ट है उसको कवर कर दिया और सूखने के लिए रख दिया। तो जब तक ये सूखता है तब तक आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप कर लीजिए, और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए, जब तक ये हमारा सूख रहा है, हम लेते हैं कुछ नारियल के छिलके। अभी तो फेस्टिवल टाइम है तो नारियल के छिलके तो बहुत सारे अवेलेबल है घर पे, तो नारियल के छिलके को लेकर मैं ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लूंगी, मतलब पूरे रेसे अलग कर लूंगी इस तरह से। ये थोड़ा मेहनत वाला काम भी है, थोड़ा मेसी काम भी है, क्योंकि पूरा चारों तरफ बिखर जाता है, बट ठीक है, थोड़ी मेहनत तो कर सकते हैं। फिर मैंने लिया एक ये कार्डबोर्ड का एम्प्टी रोल, जो मास्किंग टेप के अंदर होता है ना, उसका एक एम्प्टी रोल लिया और उसको हमने नीचे फिक्स कर दिया ताकि हमारा ये जो आसन है ये अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर मैं हॉट ग्लू की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को आउटर साइड में मैं कवर करूंगी इस नारियल के जो छिलके हैं उनसे। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा हम एक नारियल के शेप वाला गणपति आसन बनाने वाले हैं। तो हमारे ये आउटर साइड तो बन गया, देखो कितना मेसी हो गया है ना चारों तरफ। नारियल के छिलके से काम करने से यही एक प्रॉब्लम है, बट बाकी मुझे नारियल के छिलके बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने लिए कुछ ब्राउन कलर और थोड़ा सा आउटर साइड को पेंट कर दिया। और ये पेंट होने के बाद, जब तक ये हमारा अच्छी तरह से पेंट हो रहा है, फिर हम करेंगे इसके इनर पोर्शन का काम। तो हम लेंगे कुछ कॉटन और उनको भी मैं फेविकॉल की मदद से स्टिक कर रही हूँ। कॉटन को अच्छी तरह से हाथों से मैं इसे मतलब अलग अलग कर ले रही हूँ, फैला ले रही हूँ, और उसको फिर मैं ये अंदर पूरा फिक्स करूँगी। जो ये नारियल के अंदर वाला पार्ट होता है वो मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छी तरह से कॉटन को पूरे अंदर फैला कर अच्छी तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब मैं हाथों की मदद से थोड़ा इन्हें मैं सब जगह फिक्स कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, और जो नारियल के रेशे जो इधर उधर बाहर निकले हुए हैं ना, उनको भी हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, और बन गया हमारा ये सुंदर सा नारियल
सेल वाला गणपति आसन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा डीआईवाई गणपति आसन आइडिया? है ना एकदम सिंपल और इजी टू मेक, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड इनोवेटिव। तो इसी तरह के और भी नए नए डीआईवाई आइडियाज लेकर मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक आप मेरा ये वाला वीडियो एंजॉय कीजिए और बाकी भी गणपति के लिए जो मैंने वीडियो शेयर किए हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।